रुड़की क्षेत्र में घटी घटना तमाम समाचार पत्रों एवं आम जन के बीच चर्चा का विषय बनी थी कि फर्जी इनकम टैक्स रेड टीम ने व्यापारी एवं परिवार जन को कार्रवाई का भय दिखाकर उनसे 20 लाख रुपए की रकम ठग ली। उक्त संदर्भ में व्यापारी सुधीर कुमार जैन निवासी सुनहरा रोड गंग नहर द्वारा संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। गिरोह के सरगना सहित फर्जी इनकम टैक्स रेड टीम के 2 ऑफिसर दबोचे गए। फिल्म स्पेशल 26 की तर्ज पर गिरोह ने वारदात को अंजाम दिया था। सर, सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से स्पेशल 26 बनकर टीम रुड़की में आई थी, उन्होंने इस तरह की ठगी करी है? 8 तारीख को एक मुकदमा दर्ज कराया गया था। लोकल व्यापारी हैं जैन साहब, उनके द्वारा बताया गया कि उनके यहाँ 7 लोग करीब आए थे, 6-7 लोग, और जो इनकम टैक्स अधिकारी बनकर उनके 20 लाख रुपए कैश जो है लेके गए हैं। चूँकि उनको शुरू में ऐसा लगा कि शायद ये सही में कोई इनकम टैक्स की रेट पड़ी, तो उन्होंने उनको साथ कोऑपरेट किया, और जो भी एक पुलिस इनकम टैक्स अधिकारी जिस तरह से डिमांड करते हैं, जिस तरह से फर्द बनाते हैं या चेक करते हैं, उस हिसाब से उन्होंने भी एक व्यापारी होते हुए कोऑपरेट किया। लेकिन जब बाद में इनको शक हुआ, अपने सोर्सेज से जानकारी करी, तो पता चला कि ऐसा कोई भी इनकम टैक्स की रेट उनके यहाँ पर नहीं हुई थी, जिस पर उन्होंने आके थाने पर बाद में उसमें मुकदमा दर्ज कराया। तो चूंकि एक संवेदनशील प्रकरण था, एक व्यापारी हमारे उनके साथ हुआ, और ऐसा कोई गैंग जो सक्रिय था वो अन्य व्यापारियों के साथ भी ऐसा ना करे, इसलिए एक टीम बनाई गई थी। इसमें हमारी लोकल जो हमारी रुड़की SCIU और थाने की टीम बनाई गई थी, और इसके बाद इन्होंने अपने प्रयासों से जो भी जानकारी मिली, इस पर 2 लोग को अभी इसमें गिरफ्तार किया है। इसमें का नाम सलमान है और दूसरा जो है वो धीरज है। धीरज जो है लोरी गाजियाबाद का रहने वाला, सलमान मुजफ्फरनगर रहने वाला। इनके द्वारा अपने यहाँ पर 3 साथियों और अन्य 4 साथी जो बाहर से बुलाए थे, 2 गाड़ियों में यहाँ पर विक्टिम के यहाँ पहुँचे, और पूरी एक फिल्म की जो कहते हैं इनकम टैक्स अधिकारी बनकर पूरा इन्होंने इस पर ड्रामा करके 20 लाख रुपये लेके चले गए थे। इनके अन्य साथियों के बारे में भी जानकारी मिल गई है। साथ ही साथ जो फर्जी मोहरे और जो कार्ड बनाए गए थे इनके द्वारा वहाँ दिखाने के लिए इनकम टैक्स अधिकारी के रूप में, वो सभी कुछ बरामद हो गया। अभी पूछताछ की जा रही है कि कहीं अन्य कहीं और जगह ऐसे गैंग की सक्रियता न रही हो और किसी व्यापारी को ना ठगा गया हो, इस संबंध में भी पूछताछ की गई है। सर, बिल्कुल अलग तरह का मामला है, पुलिस कैसे पहुंची इन अपराधियों पर? देखिए, 2 चीज़ें हैं कि थोड़ा डिलेड FIR थी, तो थोड़ी दिक्कत आई, अगर तुरंत कोई सूचना नहीं आ पाई थी, लेकिन बाद में जो हमारे अड़ोस पड़ोस के लोगों से कुछ जानकारी, उनको भी संदिग्धता महसूस हुई थी, उनसे कुछ जानकारी हमें मिली थी। साथ ही साथ हमने CCTV फुटेज के माध्यम से 2 संदिग्ध गाड़ियों के नंबर भी निकाले थे, और फिर तब इसके आधार पर जो हमारी टीमें उनकी तलाश में लगी थी, जिसपे दोनों लोग मिले, और उसके बाद पूछताछ में सारी चीज़ें क्लियर हो पाई। सर, कितना कैश बरामद हो पाया? इसमें 2.5 लाख रुपये कैश बरामद हुआ है, और इसमें 1 लाख रुपये का इन्होंने नया अभी एप्पल का मोबाइल भी ले लिया है, तो 3.5 लाख की रिकवरी ऑलमोस्ट ये हुई है। बाकी अन्य अभियुक्तों के पास अलग अलग हिस्से के रूप में शेयर किया हुआ है। सर, पुलिस ने तो नहीं माना सर, हथियार वगैरह कोई बरामद नहीं? इससे कोई हथियार नहीं, चूंकि ये तो एक तरह से डराने के लिए था ही नहीं इनके पास।